सब्सक्राइब कीजिए ग्रो इंडिया चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना मत भूलना। दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज़ तो आपने किया ही होगा, लेकिन कैलकुलेटर में हम उस लेवल की या एक बेसिक लेवल से ऊपर तक की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि बेसिक लेवल से कम तक की कैलकुलेशन हमें कैलकुलेटर करके देता है। लेकिन आज के टाइम में हर इंसान को एक बेसिक लेवल का नॉलेज हर फील्ड में होना बहुत जरूरी हो गया है, और इसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया जाता है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कैलकुलेशन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जित और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं बहुत टाइम बाद वापस आ चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कुछ वीडियोस बनाने के लिए, कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बेसिक सिखाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कैलकुलेशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले एक डमी दो वैल्यू ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, वैल्यू वन एंड वैल्यू टू। यहाँ पे बेसिक सा एक कैलकुलेशन करते हैं परसेंटेज निकालने की, प्लस माइनस तो आपको पता है, तो प्लस माइनस से शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने 35 लिया, यहाँ मैंने लिया 67, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेटर से सिंपली ये तो कैलकुलेटर इसका प्लस माइनस करना तो काफ़ी इजीली है मत कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताता हूँ, जो सिंपली हमें फॉर्मूला क्या लगाना होता है। इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ऑन नंबर वन, नंबर वन है हमारा वैल्यू वन, और बीच में हमने करना एक प्लस और वैल्यू नंबर टू, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना। तो ये हमारा जो है आंसर होएगा, ये सिंपल प्लस का है, आप एडिशन कर रहे हैं दो वैल्यू को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो वैल्यू के अलावा V3, V4, V5, V6, मतलब वैल्यू थ्री वैल्यू फोर, इसमें और भी वैल्यूज ले रहा हूँ। ये ले ली मैंने अपने हिसाब से। तो अब इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एक तो आपको जो मैंने ऐसे फॉर्मूला आपको बताया है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, देखो नंबर वन प्लस नंबर टू प्लस नंबर थ्री प्लस नंबर फोर प्लस नंबर फाइव प्लस नंबर सिक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे जो आंसर आया, ये टोटल मैंने 6 वैल्यू हैं उनका टोटल करा है। लेकिन आप ऐसे सम वैल्यू ये फॉर्मूला पर लगा के चलोगे तो उसमें बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक टूल ऑलरेडी है ऑटो सम का। यहाँ पे आप होम मेन्यू पे जाएंगे, राइट वाले कॉर्नर पे, टॉप अपर कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑटो सम करके एक टूल मिलेगा। इस पर आप माउस लेके जाएंगे तो आपको छोटा सा वो दिखा देगा, एक डिस्प्ले सम सिलेक्टेड फील्ड। तो इसके लिए कैसे होता है, यहाँ पे हम ऐसे वैल्यू सारी सिलेक्ट कर ली, सभी का सम चाहिए, और उसके बाद ऑटो सम पे क्लिक कर दिया। तो ऑटो सम पे अगले नेक्स्ट कॉलम पे ये उसका ऑटो सम कर, तो ये नेक्स्ट वाली कॉलम पे ऑटो सम यहाँ पे कर देगा। तो अब इसका एक और फॉर्मूला बताता हूँ सम लगा के कैसे करना है। इसको सिंपली इक्वल करके, पहले इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इक्वल का साइन लगा रहा हूँ। हमें सम टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन करनी है, और हमने फर्स्ट वैल्यू से लेके लास्ट वैल्यू जहाँ तक हमको फॉर्मूला चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। तो ये आपका जो पहले वाला है प्लस 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 वाला जो फॉर्मूला था, है सेम टू सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, और वैल्यूज़ ज़्यादा है, प्लस प्लस करके तो बहुत लंबा चला जाएगा, बीच में कोई वैल्यू छूट सकती है। इसलिए सम टाइप करके ब्रैकेट ओपन करके जितना जितनी वैल्यूज हमें चाहिए उनका सारा डाटा हमें उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके सिंपली एंटर मार देना, तो आपका सम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब उसके बाद चलते हैं माइनस का, सबट्रैक्ट का कैसे रहता है। दो वैल्यूज़ हैं, इक्वल टू मैं
वैल्यू 2 को माइनस कर रहा हूँ वैल्यू 1 से, इक्वल टू वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1, एंटर। अब माइनस में तो ऐसे होता नहीं कि बहुत सारी वैल्यूज़ हैं उसको माइनस इकट्ठे करना है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कुछ रूल है नहीं और कैलकुलेशन नहीं, इसलिए ये दो वैल्यू को आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अभी एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा इसमें, अब अगर मैं इसको 35 वैल्यू 1 को पहले लेता और वैल्यू 2 को बाद में लेता फिर इसको एंटर करता, तो देखिए नेगेटिव में वैल्यू आनी थी, इसलिए आनी थी, एज ए मैथ का रूल है बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन साइन लगा है वो साइन आगे आएगा। तो यहाँ पे 35 प्लस पॉजिटिव थी, उसको नेगेटिव, उसको माइनस करा हमने 67 से, तो वो ऑलरेडी नेगेटिव चला गया। ऐसे ही हमारा इनटू का रूल है, सिंपल सा, इनटू में भी कोई ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, सिंपल इक्वल टू लगाए करके वैल्यू 1 और आपको यहाँ पे इनटू का साइन लगा के जो स्टार होता है लैपटॉप में, तो उसको ये आप मोबाइल पे भी देखेंगे तो उस पर भी स्टार, वैसे मोबाइल पे कैलकुलेटर का यूज़, जो कैलकुलेटर होता है वो सिंपल नॉर्मल कैलकुलेटर होता है, तो उस पर भी स्टार का नॉर्मल क्रॉस वाला ही साइन होता है। सिस्टम पे कंप्यूटर पे आपको या लैपटॉप पे आपको स्टार वाला साइन मिलेगा, वो मल्टीप्लाई काम करते हैं, जो सिंपली एंटर मार देना है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर और ऐसे ही डिवाइड का है, मल्टीप्लाई भी हम दो वैल्यू को, उसमें मल्टीप्लाई को हम काफ़ी वैल्यू से कर सकते हैं, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, लेकिन उस फॉर्मूला वही रहेगा इक्वल टू स्टार। मल्टीप्लाई पे भी हम मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक टाइम पे, जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू 3 ले रहा हूँ, V3 करके वैल्यू 3 ले रहा हूँ, डेली मैंने 46, उसको मल्टीप्लाई करना है सिंपल, इक्वल टू का लगाओ वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू 3, डबल मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आप कैलकुलेटर से भी करके देखिए तो आपको यही आंसर मिलेगा। तब चलते हैं हमारा डिवाइड, ये बेसिक्स हैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक वैसे बताने की जरूरत नहीं है आप सभी को, तो इतना तो मेरे को पता है कि हम कर ही लेते हैं, इतना तो हम स्कूल में 10th तक, तो ये 10th की आप तो मैं मतलब कॉन्वेंट स्कूल्स में तो ये तो 5th तक ही ये चीज़ें सब अंडरस्टैंड हो जाती हैं, फिर भी मैं ये रिवाइज रिविज़न करा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। डिवाइड के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, दो वैल्यू से ऊपर वैल्यू हम डिवाइड कर नहीं सकते, करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा हम कैसे करेंगे एक इतना प्रोसेस को। तो इसके लिए हमें सिंपल वैल्यू 2 से वैल्यू 1 एक्चुअली ऐसे ही करेंगे तो ये पॉइंट्स में आ जाएगा आपका जो वैल्यू आएगी, ठीक है। अब चलते हैं परसेंटेज पे, अब परसेंटेज के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए होती हैं। अब जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, मान लो 500 हमें मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 800, ठीक है, और हमें इसका परसेंटेज देखना है कि कितना परसेंटेज पे, कितने परसेंट पे हमने ये हमारी कितनी परसेंटेज आई है। सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टू कीजिए जितने मार्क्स आए हैं उसको डिवाइड कर देना है आउट ऑफ, और इसको साथ में इनटू कर देना है, इनटू कर देना है आपको परसेंटेज से, एंटर कीजिए, सिंपल 62.5 आपकी परसेंटेज बनी है। तो ऐसे परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है। हाँ तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है और अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लेना ताकि हर जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।